अस्सलाम वालेकुम ऑल, वेलकम टू द माशाल्लाह जायका। आज हम बनाएंगे मुहर्रम स्पेशल ट्रेडिशनल रोट। तो चलिए आज इसकी रेसिपी देख लेते हैं। यहाँ हमने 30 से 40 बादाम लिए हैं और 20 से 30 किशमिश। इसको अच्छा चॉप्ड काट लेंगे और ग्राइंड कर लेंगे। ये 1 किलो रवा है और 250 ग्राम मैदा ऐड करेंगे, और जो हमने ग्राइंड किया था वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने इसमें देसी के टिप नारियल को डाला है। अब इसमें 1/2 टीस्पून खाने वाला सोडा ऐड करके अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें 4 टेबलस्पून असली घी डालेंगे। अब इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे। ये जब सब अच्छे से मिक्स हो जाएंगे तो हमने इसके लिए गुड़ की चाशनी बनाई है। हमारा 500 ग्राम गुड़ है, उसको हमने पानी में मेल्ट कर लिया है। जितनी रिक्वायरमेंट होगी उतना ही इस मिक्सचर में डाल के उसको हम अच्छे से गूंदेंगे। 500 ग्राम 1/2 kg गुड़ है, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे अब हम, और आटे की तरह इसको अच्छे से मल लेंगे। जितना हमारा इसमें गुड़ का पानी लगेगा उतना ही मिलेंगे ना, इसको ज़्यादा पतला ना करिएगा, नहीं तो आपके रोट अच्छे नहीं बनेंगे। जब ये अच्छे से गूंज जाए तो इसको 15 से 20 मिनट के लिए ऐसे छोड़ दीजिए, क्योंकि सूजी फूलती है, इसलिए उसको थोड़ी देर रखेंगे तो अच्छा रहेगा। अब एक पेड़ा लीजिए और उसको रोटी की तरह बेल लीजिए, ना ज़्यादा मोटा बेलिए ना ज़्यादा पतला, एकदम मीडियम साइज बेलिए, और उसको एक कटोरी की सहायता से छोटा छोटा कट कर लीजिए। आप चाहे तो छोटा पेड़ लेके पूरी के शेप में भी बेल सकते हैं, नहीं तो मैं जिस तरीके से एक बड़ी रोटी बेल रही हूँ और उसको फिर मैं काटूँगी, देखिए इस तरीके से आप ऐसे भी कर सकते हो। जैसा आपको ठीक लगे आप वैसा करिए। इसको मैं इस तरीके से छोटे छोटे पूरी टाइप में शेप दे के निकाल लूँगी। अब ये कट गए हैं, अब मैं इनमें बीच में एक एक बादाम लगा दूँगी और इनको डीप फ्राई कर लूँगी। इसके लिए मैंने पहले से ही तेल गरम करने के लिए रख दिया था। अब मैं इसको डीप फ्राई कर लूँगी। आप चाहे तो इसे ओवन में बेक भी कर सकते हैं। बेक करते हैं तो ये और भी टेस्टी हो जाते हैं, लेकिन मैं इसको फ्राई कर रही हूँ और मेरे ट्रेडिशनल रोट तैयार है।